दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों पूरे भारतवर्ष में बढ़ता हुआ प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। दिल्ली में तो पॉल्यूशन का स्तर एक खतरनाक लेवल पर पहुँच चुका है और भी शहरों में ये पॉल्यूशन बहुत सारी बीमारियों का कारक बनकर आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग ये जानते हैं कि घर के अंदर का जो प्रदूषण है और घर के अंदर का जो लो ऑक्सीजन लेवल है बाहर के प्रदूषण से ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा मात्रा में भी है। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग घर में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और जनरली खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, बहुत सारे लोग एसी का भी उपयोग करते हैं। होता क्या है कि हर एक सामान जो हम लोग यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक से बने मटेरियल या उनमें पेंट जो लगा हुआ है, इन सब के वेपर्स अपने आप निकल के वातावरण में फैलते रहते हैं और चूंकि हम लोग कमरा बंद रखते हैं तो ये काफ़ी विषाक्त माहौल आपके रूम के अंदर बना देते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन की भारी कमी हर एक घरों में पाई गई है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पौधे आपको बताएंगे जिन पौधों को आप आसानी से अपने घर में रख सकते हैं और इन पौधों की मदद से आप अपने घर का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल अच्छा अगर होगा तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों कैंसर के जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन की कमी में बहुत फलते फूलते हैं, तो अगर आप कम ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं तो कैंसर होने का चांस आपका बढ़ जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में जिनसे आप अपने घर का ऑक्सीजन तो बढ़ा ही लेंगे, साथ ही साथ वो टॉक्सिक केमिकल भी अपने घर से प्योरीफाई कर लेंगे और हटा लेंगे। दोस्तों पहला पौधा है मदर इन लॉ टंग प्लांट। दोस्तों ये पौधा, बेडरूम प्लांट भी इसको कहा जाता है, ये पौधा आपके घर में जो CO2 है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ ये वातावरण से, आपके रूम के वातावरण से खराब टॉक्सिन्स को भी फिल्टर करता है। दोस्तों 4-5 पौधे भी अगर आप घर के कोनों में रख देंगे तो ये आराम से ये आपके घर की प्रदूषित हवा को शुद्ध करेगा। दोस्तों दूसरा पौधा जो बहुत ही आसानी से मार्केट में मिलता है उसका नाम है एरिका पाम प्लांट, इसको लिविंग रूम प्लांट भी कहते हैं। दोस्तों ये पौधा भी हवा से फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और उन्हें साफ करता है और हमें स्वच्छ ऑक्सीजन देता है। दोस्तों 4-5 पौधे अगर इसके रख लें तो भी आपको पर्याप्त ऑक्सीजन एक 4-5 मेंबर्स वाली फैमिली के घर में मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे 3-4 महीने में एक ही बार धूप दिखानी होती है। आप अगर 3-4 महीने में एक बार इसे बालकनी में या छत पर रख देंगे तो इतना ही पर्याप्त है इसे फलने फूलने में, यह सूखेगा नहीं और ये घर के अंदर आराम से ये सारे प्लांट्स रखे जा सकते हैं। कभी कभी पत्तियों पे जो जमी धूल है उन्हें आप साफ़ कर दें ताकि ये जो प्रोसेस है वो अच्छे से कर सके, आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे सके। दोस्तों तीसरा जो पौधा है वो है मनी प्लांट। मतलब अगर ये दोनों पौधे जो मैंने बताए वो आपको नहीं मिले तो मनी प्लांट भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। मनी प्लांट सिर्फ पानी में ही फल फूल जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा किसी बोतल में पानी रख के और उससे मनी प्लांट निकाल के लोग अपने घरों में लगाते हैं। एक जनरल धारणा ये है कि मनी प्लांट लगाने से घर में पैसे आते हैं। पैसे भले ना आए दोस्तों, लेकिन रोग और बीमारियों से आपके पैसे जाएंगे नहीं। ये मनी प्लांट हवा से केमिकल टॉक्सिन्स जो भी आपके घर में जो आपने सामान भर रखा है प्लास्टिक का और पेंट का जो इफ़ेक्ट हो रहा है उस टॉक्सिन्स को ये क्लियर आउट करता है और फ्रेश एयर आपको देता है। तो मनी प्लांट ही लगा सकते हैं दोस्तों, ये खूबसूरत भी दिखता है और साथ ही साथ आपके जीवन को रोगों से बचाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स को पहुँचाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन ज़रूर दबाएँ ताकि इसी तरह के यूज़फुल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।